Hi guys, assalamu alaikum. My name is Anas and you are watching Let's Evolve, my YouTube channel. Please subscribe. So today we are going to discuss sanitary landfills and industrial landfills. इनमें डिफरेंस हम लोग आज पढ़ेंगे और इनका और दूसरा पार्ट है लैंड सिलेक्शन क्राइटेरिया. हम वो लैंड मसलन के लैंड सिलेक्शन का भी एक क्राइटेरिया होता है ना, इन जो सैनिटरी और इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है उनको मसलन के डिस्पोज करने के लिए कौन सा क्राइटेरिया होना चाहिए लैंड को सिलेक्ट करने का. सबसे पहले हम लोग डिफरेंस देख लेंगे सैनिटरी लैंडफिल्स और इंडस्ट्रियल लैंडफिल्स होते क्या हैं. बेसिकली ये दोनों डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैसिलिटीज हैं जो वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करने के लिए यूज किए जाते हैं, ताकि हम लोग जो हैं वो डिफरेंट जो वेस्ट हैं उनको हम लोग जो है वो डिस्पोज कर सकें. ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे सैनिटरी लैंडफिल्स. सैनिटरी लैंडफिल्स क्या होते हैं? ये होते हैं यूज्ड फॉर द डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट. मसलन के हाउस होल्ड का, होम, स्कूल्स वगैरह, बिजनेसेस वगैरह, जितना भी होता है ना वेस्ट वगैरह, उसको डिस्पोज करने के लिए हम लोग सैनिटरी लैंडफिल्स यूज करते हैं. ठीक है, और दूसरा पॉइंट है इसका डिजाइन. ये इस तरह डिजाइन किया जाता है टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट एंड पब्लिक हेल्थ. ठीक है, मसलन के इस तरह इनको डिजाइन किया जाता है इन लैंडफिल्स को, ताकि हम लोग जो है वो अपने एनवायरमेंट को और मसलन के उसमें जो हार्मफुल सब्सटेंसेस उसमें से निकलती हैं वो एयर में जाके, पानी में जाती हैं, मिट्टी में जाके, वो सब मसलन के इन्वायरमेंट और हेल्थ को जो है ना, पब्लिक की हेल्थ को जो वो खराब ना करें. ठीक है, आगे ये रेगुलेट किस तरह किए जाते हैं? ईपीए, ईपीए होता है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी होती है जो इसको रेगुलेट करती है. आगे है मसलन के इन सैनिटरी लैंडफिल्स को बनाने के लिए ना, ये बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं फॉर डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन एंड क्लोजर ऑफ द लैंडफिल. मतलब इन लैंडफिल्स को बनाने के लिए, इनके डिजाइनिंग के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, ऑपरेशन के लिए ना, ये मुख्तलिफ जो है ना वो बहुत सारी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं वो मसलन के वो फॉलो करती हैं. आगे हमारे पास है इंडस्ट्रियल लैंडफिल्स. इंडस्ट्रियल लैंडफिल्स क्या होती हैं? ये यूज होती हैं फॉर द डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट. मसलन के इंडस्ट्रीज का जो इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के बाद जो इंडस्ट्रीज का वेस्ट होता है ना, उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए यूज किया जाता है इंडस्ट्रियल लैंडफिल्स. ठीक है, ये इसलिए तो ये प्रोटेक्शन फॉर द ह्यूमन हेल्थ एंड और इन्वायरमेंट. मतलब ये भी ह्यूमन की हेल्थ और इन्वायरमेंट के लिए, की प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है. क्यों? आपको पता ही है कि इंडस्ट्रीज में से जितना भी वेस्ट होता है वो कितना हार्मफुल होता है, उसके सब्सटेंस जो होते हैं वो, इसलिए मसलन के इनको भी एक लैदा मसलन के डिस्पोज ऑफ किया जाता है एक लैदा लैंड में, तो वो बना वो जो है वो इंडस्ट्रियल लैंडफिल्स कहलाते हैं. ये भी रेगुलेट किए जाते हैं ईपीए से, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी से, और ये भी स्पेसिफिक जो है ना वो रेगुलेशन रिक्वायरमेंट्स फॉर हैंडलिंग मसलन की या क्लोजर ऑफ द लैंडफिल्स के लिए जो यूज किया जाता है. ठीक है, आगे जी दूसरा पार्ट है हमारा लैंड सिलेक्शन क्राइटेरिया. मसलन के हम लोगों ने अब लैंड जो है वो ये लैंडफिल्स बनाने हैं, तो इसका कौन सी लैंड सिलेक्ट करनी चाहिए? ठीक है, मसलन के उसके कुछ रिक्वायरमेंट्स है ना, उसको सिलेक्ट करने कुछ रिक्वायरमेंट्स होने चाहिए, नहीं कहीं पे भी बना दें. ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसकी लोकेशन. मसलन के वो ऐसी लोकेशन पे होना चाहिए कि जहाँ पे मसलन के कोई इकोलॉजी वगैरह ना हो, कोई और स्पीशीज ना रहती हो, ठीक है, उनको उनका नुकसान ना हो. ऐसी जगह पे होना चाहिए जहाँ पे मसलन के पानी के सोर्सेज वगैरह ना हो, ठीक है, और ऐसी जगह पे होने चाहिए जहाँ पे मसलन कोई क्या नाम है पानी मसलन के फ्लड प्लेन्स जिसे कहते हैं, मसलन के अगर सैलाब वगैरह आता है तो वो इंडस्ट्रियल वेस्ट को बिना लेके चला जाए. मसलन के ऐसी जगह पर होना चाहिए फ्लड्स वगैरह भी कम आते हैं. दूसरा पॉइंट है जी जियोलॉजी. ज्योलॉजी मतलब कि उसकी लोकेशन, जो जमीन है ना जहाँ पे वो लैंडफिल बने, वो इस तरह की उसकी मिट्टी और जो बेस है ना वो रॉक की होनी चाहिए, ताकि उसका जो सब्सटेंसेस होते हैं ना इसमें वेस्ट में, कि वो जमीन में फिल्टर होकर मतलब चले ना जाएं, वो ग्राउंड को खराब ना करें. ठीक है, तीसरा जी हाइड्रोलॉजी. हाइड्रोलॉजी मसलन के हाइड्रो से आप अंदाजा लगा लें कि उसका एक स्पेसिफिक ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, ठीक है, उसको रेगुलेट करने के लिए. उसके बाद आ जाती है एयर क्वालिटी. ठीक है, मसलन के ऐसी जगह पे वो लैंडफिल्स नहीं बनाने चाहिए कि जहाँ पे एयर क्वालिटी पहले ही मुतासिर हो. ठीक है, तो मसलन के ऐसी जगह पे आप लैंडफिल्स बनाते हैं जहाँ पे ऑलरेडी जो है एयर क्वालिटी बहुत मसलन के ख़राब है, तो वहाँ पे और जाके ये सब्सटेंसेस जो हैं हार्मफुल सब्सटेंसेस वो उसकी एयर क्वालिटी को और ख़राब करेंगे. आगे जी ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है, पाँचवीं रिक्वायरमेंट है ट्रांसपोर्टेशन. मसलन के जिस लैंडफिल पर वो बने वहाँ पर ट्रांसपोर्ट का मसलन के सिस्टम हो कि जो वेस्ट को लेके जाके ट्रक जाएंगे वो इजीली एक्सेसिबल हो उस जगह तक. आगे लास्ट पॉइंट है जी सिलेक्शन क्राइटेरिया का लैंड यूज. मसलन के जो लैंड हम लोग यूज कर रहे हैं ना वो ऐसी हो मसलन के वहां पे कोई आ जाए कि कोई मसलन के वाटर सोर्सेज वगैरह ना खराब हो. आप लगा सकते हैं कि लैंड जो है उसकी मसलन के सही होनी ऐसी जगह पे होनी चाहिए मसलन के आगे आसपास कम्युनिटीज ना हो, लोग ना रहते हो, उनका मसलन को डिस्टर्ब ना करें.
तो ये था जी एक छोटा सा टॉपिक, आई होप कि आपको समझ आई होगी। इसके पॉइंट्स हैं, ये मैंने साथ लिखे हैं ताकि आप नोट्स कर दें। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो आम जनरल असेंबिलिटी में पूछे जाते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसकी मैं पूरी जो जनरल साइंस एंड एबिलिटी की जो प्लेलिस्ट है वो बना रहा हूँ, तो इंशाल्लाह वो आपको नीचे चैनल में जाके मेरे प्लेलिस्ट मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।